यर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक अध्याय 37 यर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक अध्याय 37 और यहोयाकिम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशियाह का पुत्र सिदकियाह राज्य करने लगा, क्योंकि बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। सिदकिया राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासीहा के पुत्र सपन्याह याजक को यर्मयाह भविष्यवक्ता के पास यह कहला भेजा कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यर्मयाह बंदीगृह में न डाला गया था और लोगों के बीच आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली, तब कश्ती जो यरूशलेम को घेरे हुए थे उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आ पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है उससे यो कहो कि देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी और कश्ती फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेकर फूंक देंगे। यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ कि कश्ती हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे नहीं चले गए, क्योंकि यदि तुमने कश्तियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी दिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक दे दिए। जब कश्तियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा तब इरियाह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था जो शेलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उसने यर्मयाह भविष्यवक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कश्तियों के पास भाग जाता है। तब यर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कश्तियों के पास नहीं भाग जाता हूं। परंतु इरियाह के उसकी एक न मानी, सो वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदीगृह बना दिया था। यर्मयाह उस तल्लुक घर में जिसमें कई एक कोठरियां थी रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकियाह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यर्मयाह ने कहा, हां पहुंचा है, वह यह है कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यर्मयाह ने सिदकियाह राजा से कहा, मैंने तेरा, तेरे कर्मचारियों का वो तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डाला है? तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहां है? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकियाह राजा की आज्ञा से यर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया और जब तक नगर की सब रोटी न चुग गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी, और यर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा।